अब ऐसा फसल खराबे का जायजा लेने पहुंचे हैं, किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। सारे इलाके के अंदर अत्यधिक ओलावृष्टि और तेज बरसात के कारण, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे सब्जियां हो, वो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। और मैंने जिस जिस गांव के खेतों को देखा है, यहाँ पर भी आप देखो कि किस तरीके से पूरे गेहूं ओलावृष्टि के कारण जमीन पर मिल चुके हैं। इसी तरीके से चने के अंदर भी बहुत खराबी हुई है। टमाटर हो, जो छोटी मोटी सब्जियां यहाँ पर करते थे, उन सब्जियों की भी बहुत खराबी हुई है। मैंने राज्य सरकार से चर्चा की है, तुरंत इनकी गिरदावरी की जाए, उनको उचित मुआवजा मिले, जल्दी मुआवजा मिले। और भविष्य में हमें आपदा से बचने के लिए एक वृद्ध कार्य योजना बनानी पड़ेगी। फसल बीमा में जो संशोधन की आवश्यकता, उसके लिए मैंने दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर बैंक के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की थी। उसमें कुछ संशोधन के प्रस्ताव उन्होंने दिए हैं। भविष्य में किस तरीके से हम फसल बीमा और आपदा दोनों के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता, तो संशोधन करें, लेकिन आपदा से बचने के लिए कम से कम किसानों को इतना कवर मिले कि उसकी लागत और खाद बीज जो डाला है उसकी कीमत उसको मिल जाए। आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद नुकसान की भरपाई हो, ताकि किसान कभी भी आपदा के इस भीषण संकट के समय फिर वापस ऋण में नहीं डूब जाए। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही, आने वाले समय में आपदा के अंदर और फसल बीमा में जो जो संशोधनों की आवश्यकता होगी उस पर व्यापक चर्चा संवाद करके सार्थक परिणाम निकले। कितना परसेंट खराबा मान रहे हैं सर, आपने भी निरीक्षण किया? अब आप देखिए, यहाँ पर 100% ही खराब आया है, पूरा कोई खेत का फसल कोई बची नहीं है। और इसलिए सरकार को भी संवेदना के साथ इसी तरीके से गिरदावरी की रिपोर्ट भेजनी चाहिए, ताकि आपदा का पैसा पूर्ण रूप से मिल जाए। ठीक।